सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क प्राइमल पीआर 100 एक्स का। तो गाइस, आर्क प्राइमल पीआर 100 एक्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम लोग ने जो ना गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ना गाइस खतरनाक और डेंजरस वाला जो एक रेक्स है ना गाइस, जिसको टीम करने का काम करा था। एंड वो रेक्स है गाइस क्योस वाला रेक्स। एंड इस क्योस रेक्स के अंदर इतनी पावर है ना गाइस कि इसने बस ये देख रहे हो, ये जो बर्निंग वाला, ये फायर वाला अटैक है ना गाइस, ये सिर्फ फायर अटैक से जो ना गाइस यहाँ पे नोवा द डिस्ट्रॉयर को बस 5 से 10 सेकंड में सिर्फ इस फायर अटैक से मारा है। 5 से 10 सेकंड में नहीं लगे होंगे, ये लाइक 3 से 4 सेकंड में जो ना गाइस नोवा द डिस्ट्रॉयर को इस बार फायर अटैक से जो ना गाइस इस खतरनाक से रेक्स ने जो ना गाइस मारने का काम करा था पिछले एपिसोड में। एंड ये ओपी सा रेक्स देखने के बाद अभी मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मैं और भी ज्यादा जो है ना क्योस वाले क्रीचर यहाँ पे टेम करूँ। बट क्योस वाले क्रीचर हम टेम नहीं कर सकते अभी। क्यों टेम नहीं कर सकते वो थोड़े टाइम में आपको मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस, जो भी नए प्यारे प्यारे से हमारे भाई बहन लोग होंगे गाइस चैनल पे, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, गाइस फटाक से यार क्या कर लियो, फटाक से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमको काफी मोटिवेट करता है किसी खतरनाक ओबीसी वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर से याद से गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, हम 3000 सब्सक्राइबर पूरे ओनली यार, 80,000 सब्सक्राइब गोल से। तो फटाक से गाइज यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे वो दबा के जो ना गाइज 80,000 सब्सक्राइबर का जो गोल है ना गाइज वो कंप्लीट करने में हेल्प कर देना यार, फटाक से गाइज। तो चले गाइज आज का एपिसोड शुरू कर देते हैं। और आज मैं जो ना गाइज आपको बता देता हूँ कि मैं क्योस वाले क्रीचर को टेम नहीं क्यों कर सकता गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो ना गाइज अपने पूरे मैप पे जो ना गाइज एक सिर्फ क्योस क्रीचर है, सिर्फ एक, एंड वो है गाइज रेक्स। एंड भाई वो भी आई थिंक अभी एक ही बचा होगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में अगर आपने देखा होगा तो मेरे पूरे मैप पे जो ना द आइलैंड पे सिर्फ भाई 2 क्योस वाले रेक्स स्पॉन हुए थे। उसमें से जो हाई लेवल का रेक्स है ना गाइस उसको टेम करने का काम मैंने पिछले एपिसोड में ही कर लिया था। तो उस रीजन से जो ना गाइस यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, रुक जाओ मैं बताता नहीं आपको दिखाता हूँ कि अपने पास कितने क्योस जो है ना क्रीचर है गाइस। देखो ये देखो क्योस वाला सिर्फ एक रेक्स बचा है 440 लेवल का पूरे मैप पे। तो क्योस वाले डायनो को अभी अपन टेम नहीं कर पाएंगे, बट मेरे भाई स्पिरिट थाइलो, स्पिरिट रेक्स, स्पिरिट ड्रैगन, भाई ये क्या भाई 140 20 लेवल का स्पिरिट रेक्स, भाई यार मेरे को रेक्स नहीं चाहिए था, मेरे को थाइलो चाहिए था भाई यहाँ पे। बट थाइलो की लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है भाई, इतने लो लेवल का थाइलो में टेम नहीं कर पाऊँगा गाइज जी। भाई मेरे को लग रहा है कि मेरे को रेक्स को ही टेम करना पड़ेगा गाइज। ड्रैगन भी 20 लेवल है भाई, ड्रैगन को टेम करने में ना भाई जो भाई पापट, एक मिनट रुक जाओ मेरे पास ग्रिफिन है ना गाइज, हाँ मेरे पास नॉक्सियस ग्रिफिन है, एक दो चुम्मी दे दूंगा डायरेक्टली नॉकआउट हो जाएगा, कोई ना चलो भाई इसको भाई टेम कर लेते गाइज। लेकिन यार रेक्स नहीं चाहिए था, थाइलो चाहिए था। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले एपिसोड तक जो ना गाइज यहाँ पे अपने पास थाइलो आ जाए यार, थाइलो आ गया ना मतलब थाइलो स्पॉन हो जाए, अगर जैसे स्पॉन हो गया ना मैं जाके डायरेक्टली टेम कर लूंगा उसको, खास करके जो है ना गाइज वो आई थिंक रेडवुड में स्पॉन होगा, देखते चलो। स्पिरिट वाला और बनाने के लिए मेरे हिसाब से मेरे पास किबल नहीं होंगे, और रुक जाओ ये बैठा, ओए ए एक मिनट रुक जाओ भाई ऐसे भाई रुक जाओ, उड़ने की आवाज़ आ रही है ना गाइस सूट से मेरे, सूट निकाल के वापस पहन लेता हूँ, ये फालतू का सामान फेंकने दो मेरे को। ये अंडे चंडे यार, इतने अंडे हैच करके मैं क्या करूँगा बताओ भाई, 100-200 नवा तो डिस्ट्रॉयर की थोड़ी आर्मी। ओ वैसे प्लान गाइस बुरा नहीं है ना गाइस, लगभग भाई 10-15-20 भाई नवा तो डिस्ट्रॉयर की आर्मी बनाओ एंड उसको डायरेक्टली भाई फाइनल बॉस से भिड़ा दो। कैसे लगा प्लान, कैसे लगा प्लान, बस थोड़ा सा सर्वर ओवर बफर फ्लो हो जाएगा और डायरेक्टली क्रैश हो जाएगा गेम, वो अलग बात है, बट प्लान में दम तो है गाइस, मेरे को दम तो लग रहा है प्लान में। देखते चलो गाइस नोवा द डिस्ट्रॉयर के कितने अंडे है भाई, अंडे भाई अंडे रोज का अंडे कितने अंडे बताओ भाई, अंडे भाई सारे सारे नोवा द डिस्ट्रॉयर के अंडों से भरी हुई है यार एचरी। हेलो 1 2 3 4 5 10 11 भाई 11 अंडे नोवा द डिस्ट्रॉयर के, 4 नोवा द डिस्ट्रॉयर को मैं हैच कर चुका हूँ, 15 नोवा द डिस्ट्रॉयर तुम्हारे भाई के पास अभी आ सकते हैं भाई। इनकी आर्मी जो ना मैं बनाऊंगा, मैं इनकी आर्मी और भी ज़्यादा बड़ी बनाऊंगा मैं, रुक जाओ आर्मी तो पहले बना चुके लेकिन अभी बड़ी वाली आर्मी बनाने का टाइम आ चुका है। बट फिलहाल के लिए स्पिरिट ऑर्ब जो ना वो बनाने के लिए मेरे को देखने तो चाहिए क्या किबल लगाया था मेरे को, सिलेस्टल वाला किबल बना एंड बना दे भाई डिमोनिक वाला किबल भाई, ये 2 किबल जो ना गाइस जो चाहिए मेरे को और बनाने के लिए। एंड गाइस लोकेशन मैंने ले ली है एंड वहाँ पे जाके ग्रिफिन का इस्तेमाल करके, ग्रिफिन लगा के रखा है ना यहाँ पे,
हाँ नॉक्सियस ग्रिफिन लगा रखा है भाई, ठीक है चलो कोई सीन नहीं गाइस। ग्रिफिन का इस्तेमाल करके जो ना कि हम बड़े आराम से स्पिरिट रेक्स को जो ना कि यहाँ पे टेम कर लेंगे। स्पिरिट रेक्स का एक मिनट रुक जाओ, स्पिरिटो रेक्स ब्रो, रेक्स ये रहा स्पिरिट रेक्स का सैडल गाइस। एक काम कर लेते हैं, जहाँ पे टेम करेंगे ना वहीं पे तबाही मचाना चालू कर देंगे डायरेक्टली भाई, ठीक है। ऑर्ब ये रहा गाइस, ऑर्ब लोकेशन क्या है बताओ, लोकेशन है 4928। ये लोकेशन मेरे को थोड़ी सी दूर लग रही है बट कोई ना, चलो भाई वही पे भाई डायरेक्टली पेल डालेंगे उसको। एक काम कर, नोवा द डिस्ट्रॉयर एक उठा ले गाइस। यार नोवा द डिस्ट्रॉयर की तो भाई फुल टू बैंड बजा रहे यार अपन लोग, यार क्या बताओ भाई, रुक जाओ। नोवा द डिस्ट्रॉयर ओरिजिन भी लाइक, चलो भाई हमारा तो पिज्जा छूटा, हमको तो आजकल यूज नहीं करा जाता डैमेज टेस्ट करने के लिए, डायरेक्टली नोवा द डिस्ट्रॉयर से पंगा लेते यार अपन, लेट्स गो। आ जाओ चल बेटा, 1 बिलियन क्लब में ये शामिल हो पाएगा स्पिरिट वाला। स्पिरिट वाले का आई थिंक डैमेज कम होता है गाइस, बट वो जो ना गाइस काफी ज्यादा गंदी तरीके से जो ना गाइस यहाँ पे अपना वो स्पिरिट वाला बॉल का जो है ना गाइस वो डैमेज देता है, मतलब उसका डैमेज कंटिन्यूस पड़ते रहता है, डैमेज ओवर टाइम होता है बट उसका डैमेज धीरे 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 करके काफी ज्यादा पड़ जाता है। तो गाइस देखते चलो क्या कर पाता है, कौन पावरफुल है थोड़े टाइम में वैसे पता चलने वाला है अपन को। 4928 पे तो उड़ रहा हो, बस यहीं पे कहीं पे होगा, संभल के बेटा थोड़ा। उसका अगर स्पिरिट अटैक लगा ना 4928, ओके ठीक है, स्पिरिट अटैक लगा तो डायरेक्टली बैक पेड़ी बन जाएगी, थोड़ा संभल के बस। 4928 भाई जंगल में मंगल कर रहा है क्या भाई, संभल के संभल के संभल के बेटा। ओके उधर है उधर है, यहाँ कहीं पे, ओके गॉट इट। ग्रिफिन को निकाल लो, मेरे को दिखा तो नहीं अभी तक स्टील, और उसका अटैक जो ना गाइस वो दिखाई दिया है, उससे थोड़ा अंदाजा लगा के मैं पता कर सकता हूँ कि वो है कहाँ पे भाई, ठीक है। क्या भाई भूख लगी है क्या इसको, ओके अपने ग्रिफिन को भूख लगी थी गाइस, संभल के थोड़ा अब अटैक कर। हाँ कान फाड़ अटैक भाई, थोड़ा संभल के भाई, बेच के दिखाई भी नहीं दे रहा यार, कहाँ पे जंगल में मंगल जंगल कर रहा है क्या ये, यहाँ कहीं पे गाइज, आई डोंट नो यहाँ कहीं पे, ये रहा गई ये रहा, यहाँ कहीं पे, संभल के भाई संभल के चल संभल के चल, अटैक अगर मेरे ऊपर पड़ा ना तो डायरेक्टली बैंड बच जाएगी, आगे नहीं जा रहा यार, ये किससे पंगा ले रहा है यहाँ पे गाइज। जब तक वो अटैक कर रहा है ना तब तक मैं ग्रिफिन को लेकर अंदर नहीं जा सकता डायरेक्टली, वरना पेड़ हाँ ये रहा, पता नहीं गाइज लोकेशन तो दिखाई दे रही है बट वो खुद दिखाई नहीं दे रहा, बता लग गए। ओ भाई अटैक के बीच में से निकला यार अटैक के, आ वो रहा दिख गया लोंडा लोंडा दिखाया, अरे किसको मार रहा है भाई, रुक जाओ इफेक्ट जाने दो, जब तक इफेक्ट नहीं जाता मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, संभल के इफेक्ट गया, नाइस वन। क्या रे अटैक करेगा, अरे भाई रोशनी भाई दिन में तारे दिखा दिया भाई मेरे को भाई, अपना स्पेशल अटैक नहीं करना मेरे ऊपर, भेज क्या रुक जा भाई, अरे किधर है भाई, अरे रुक भेज क्या, लाड़ में आ रहा है बहुत ज़्यादा भाई, इधर उधर वो बम चिकी चिकी बम बम फेंक रहा था ना, अरे भाई मेरे को लगा भाई ग्रिफिन जाके उसको मार देगा यार, इसलिए फटाक से उसको क्रायो कर दिया मैंने। अरे बेटा खा ले, और टेमल पर चाहिए तो टेमल पर भी ले ले, चल हो गया डैम, ओ यस लेट्स गो ब्रो, आप भी मजा आएगा ना वीडियो, सैडल पहन ले चल। ओ भाई गाइस स्पिरिट एंड क्योस रेक्स तुम्हारे भाई के पास आ चुका है, चलो गाइस अपने कलेक्शन में रेक्स जो है ना गाइस वो तो कंप्लीट हो गया, अपने पास सिलेस्टियल उसके बाद स्पिरिट एंड क्योस तीनों रेक्स आ चुके हैं, तो सबसे ज्यादा डेडली और भाई खतरनाक रेक्स माने जाते हैं वो तीनों रेक्स जो है ना गाइस तुम्हारा भाई यहाँ पे टेम कर चुका है। तो गाइस अपना रेक्स कलेक्शन फाइनली कंप्लीट हो चुका है, अल्फा विल्फा रेक्स को अपन को टेम नहीं करना, वो थोड़े वीक होते हैं, एंड देखते टाइम मिला तो उनको भी डेम कर लेंगे, चलो कोई ना अपना रेक्स का कलेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए गाइस अंधेरा हो चुका है तो इसका जो लुक है ना गाइस वो आपको भाई ठीक से दिखाई देगा, सही टाइम पे बारिश भी आई है। ओ ये ब्रदर गाइस क्या लग रहा है ना, हाय हाय इसको जितनी बार भी देखो ना गाइस काफी ज्यादा ओपी लगता है गाइस, देख रहे हो पूरी की पूरी हर एक हड्डी दिखाई दे रही है गाइस इस लोंडे की, और भाई काफी खतरनाक लग रहा है गाइस। अगर इसके अटैक की बात करें बाइट अटैक है बेसिक वाला, लेफ्ट क्लिक पे अपने मुंह से जो ना गाइस देख रहे हो लाइटनिंग प्लस फायर छोड़ता है गाइस, सीधे कान फाड़ अटैक है गाइस, इसको मैं कान फाड़ अटैक बोलता हूँ यार, जब भी गाइस ये अटैक पड़ता है ना कान लोगों के जरूर पड़ जाते हैं यार, और हर तरफ बस उजाला हो जाता है गाइस, ठीक है। तो जब गेम का जोर कम कर लेता हूँ ताकि इसका जो ना गाइस कान फाड़ अटैक जो ना कानों में चुभे ना, एक्स वाला अटैक कंट्रोल अल्ट पे कोई अटैक नहीं है गाइस, ठीक है। ये तीन अटैक है बाइट
लिप क्लिक वाला टैग जो कि मुंह से भाई अपना फायर छोड़ता है, एंड सी वाला टैग जो कि काफी ज्यादा खतरनाक वाला स्पिरिट बॉम्ब। अरे रुक जाओ, इसका गिरने दो वरना आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। भाई देखो भाई, ये स्पिरिट बॉम्ब फेंकने वाला अटैक है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक वाला अटैक है। एंड अभी जो ना गाइस, अपन सबसे पहले 88 लेवल पे आ गई भाई इसकी, दैट्स कूल। 1 बिलियन एल तो ऐसे होगी, 83 पॉइंट्स के डैमेज में डालने वाला हो। क्या गाइस ये केओस से ज्यादा डैमेज दे पाएगा? लग तो रहा है, देखते चलो। 400 तक अगर पहुंच गया ना तो केओस से भी ज्यादा डैमेज देने वाला रेक्स हो जाएगा। अगर 500 मिलियन डैमेज तक ये पहुंच पाया तो, बट वो पहुंचेगा कि नहीं ये मेरे को पता नहीं। मैंने इसको मैक्स लेवल अप तो कर दिया है, एंड इसके अंदर जो ना एक काम कर लेता हूँ, मैं एफएम के वाला जो पोशन है वो भी डाल देता हूँ ताकि इसकी जो ना इम्प्रिंटिंग हो सके। 1.2 बिलियन हेल्थ भाई, 1.3 बिलियन एक्चुअली में जो हमारा क्योस रेक्स है उसकी हेल्थ जो ना कह वो 1.2 बिलियन है। मतलब हेल्थ के मामले में स्पिरिट रेक्स ने बाजी मार दी है यहाँ पे भाई, ठीक है। अटैक मे भी सिमिलर अटैक है क्या? वो वाला भी इतना ही तो अटैक देता है ना गाइस, वो वाला रेक्स भी सेम टू सेम इतना अटैक देता है यार, मेरे को तो सिमिलर अटैक लगा। आपको क्या लग रहा है गाइस, कौन सा भाई रेक्स जो है ना ज्यादा डैमेज दे रहा है? या हमारा खतरनाक सा स्पिरिट वाला रेक्स या फिर क्योस वाला रेक्स? मेरे को तो दोनों के अटैक जो है ना वो सिमिलर ही लग रहे हैं। रुक, लग रहा है दोनों का डैमेज सेम ही था। अरे सिलेस्टियल रुक जाओ, इसको पेल देता हूँ 450। ओके, इसके जो स्पिरिट बॉम्ब का अटैक है ना गाइस वो काफी ज्यादा तगड़ा वाला जा रहा है गाइस, काफी तगड़ा वाला जा रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे आग छोड़ने वाला अटैक, क्या आग छोड़ छोड़ के ये भी नो अदर डिस्ट्रॉयर को मार पाएगा या फिर वन शॉट गाइस डायरेक्टली बॉल फेंक के मारू गाइस? एक काम कर लेता ना, नो अदर डिस्ट्रॉयर को जो ना वन शॉट किल करेगा, वन शॉट गाइस, ठीक है। देखना चैलेंज है मेरे लिए कि मैं नो अदर डिस्ट्रॉयर को जो ना वन शॉट किल करूँ गाइस। रेडी हो? रेडी हो? देखना देखना देखना, टैलेंट देखना तुम्हारे भाई का, डरना बिल्कुल नहीं गाइस। रुक जाओ, फालतू का पहले सामान जो है गाइस वो फेंकने दो, क्योंकि नो अदर डिस्ट्रॉयर को मारने के बाद कुछ चीज़ें इन्वेंटरी में आने वाली है, ठीक है। रेडी हो गाइस? 1 2 3 हियर वी गो। नो अदर डिस्ट्रॉयर आ गया भाई, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ, बेटा इधर आ। नाइस वन, नाइस वन, नाइस वन। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। अबे यार मारने वाला था यार वन शॉट, वन शॉट मारूंगा तो वन शॉट ही मारूंगा मैं भाई, मारूंगा तो वन शॉट मारूंगा गाइज, मैंने बोल दिया ना गाइज। रुक जाओ, वो थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी निकल जाता है यार, वो रिक्स थोड़ा उड़ना चाहता था तो नोवा तो डिस्ट्रॉयर ने उसको उड़ा डाला यार हवा में। और क्या है भाई, और क्या ही है। नोवा इधर आ भाई, नोवा अटैक नहीं करना, नोवा देख अटैक नहीं कर रहा मैं, अभी मेरी बारी, अभी मेरी बारी, ये ले गाइज वन शॉट। क्या बोला था गाइज मैंने? वन शॉट नोवा द डिस्ट्रॉयर को मार के रहूंगा, मतलब रहूंगा, और मैंने इसको वन शॉट मारा है। मैंने जना गाइज अपना खतरनाक एंड ओबीस स्पिरिट बॉम्ब वाला अटैक इसके ऊपर चिपका डाला, और 56 मिलियन के 3-4 अटैक इसको पड़े, एंड डायरेक्टली एक फटके में इसकी यही पे पेटी बन गई गाइज। इसको बोल दे असली डैमेज ना मेरे भाई, खतरनाक बोल दे ब्रो। ए, 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 रेक्स, हाँ बचा लिया रेक्स ने भाई, पैरासोरस मारने के लिए आया था मेरे को भाई, बुझ गया गाइस बाल बाल। अरे बियर आ रहा है यार, बियर वैसे कितने लेवल का है ये? 500 लेवल का होगा तो भाई नहीं मारूंगा इसको, वो 560 लेवल कल्टी मार भाई, ये बियर को कुछ नहीं होना चाहिए, इसको तो मैं खुद स्वयं टेम करूंगा गाइस अगले एपिसोड में। भाई बियर जो ना गाइस वो काफी ज्यादा टाइम से मैं हाई लेवल का ढूंढ रहा हूँ, पिछले भाई एपिसोड में आई थिंक मैंने लो लेवल का बियर जो ना गाइस वो मार दिया था, तो उसी की जगह पे एक 560 लेवल का बियर जो ना गाइस वो स्पॉन हो चुका है, और उसको जो ना गाइस हम टेम करेंगे आने वाले, मतलब कल वाले एपिसोड में, क्योंकि आज का एपिसोड जो ना गाइस वो तो ये पे खत्म हो चुका है, मतलब आज के 4 एपिसोड खत्म हो चुके हैं, बट अभी थोड़ी सी और तबाही मचाना बाकी है गाइस। नोवा गाइस बच्चा है यार, मैं किसको मारूं? कोलोसस को मारूं क्या? एक कोलोसस को वन शॉट मारने का मन कर रहा है गाइस, रुक जाओ। अब नोवा बच्चा है यार, नोवा को तो ऐसे भी चिप डाला अपन ने, रुक जाओ गाइस। गाइस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा लग रहा है मेरे को यार, ऐसे बॉसेस को मारना पड़ेगा ना डैमेज चेक करने के लिए, जिनको जो ना गाइस अपन पहले कभी मारते नहीं थे, क्योंकि वो भाई अपने सामने बहुत ज्यादा ही जो ना स्ट्रांग होते थे। अब भी तो यार रुक जाओ, किधर है कोलोसस? कोलोसस कौन सा वाला ले लो? फायर ले लेता हूँ ना, फायर वाले को बेल डालूंगा, चलो आ जाओ, लेट्स गो गाइस। चलो रेडवुड में जो ना फायर वाले कोलोसस को वन शॉट है, इसको भी वन शॉट गाइस, मैं पहले बता देता हूँ, मारेगा तुम्हारा भाई इसको भी वन शॉट गाइज, देखना गाइज वन शॉट डायरेक्टली। एक अपना स्पिरिट बॉम्ब डालूंगा एंड एक स्पिरिट बॉम्ब में डायरेक्टली भाई इस लोंडे की पेटी, डायरेक्टली पेटी गाइज, ठीक है, लिख के लेना गाइज, ठीक है। रेडियो, रेडियो देखने के लिए जलवा तुम्हारे भाई का, ये देखो 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 देखो। अरे भाई जल्दी आना नीचे, क्या कर रहा बाबा तू है, क्या कर रहा, क्या कर रहा भाई? हाँ ये ले, ये ले गाइज, क्या है यार, क्या है, कौन है लोग, कहाँ से आते भाई? खत्म, वन शॉट भाई, इसमें भी मजा नहीं आया यार, लेकिन पावरफुल दो है गाइज,
स्पिरिट रेक्स पावरफुल तो है गाइस, ये देखो गाइस इसकी डेड बॉडी मेरे ऊपर पड़ चुकी है गाइस पूरी, देख रहे हो इधर मेरे ऊपर इसकी डेड बॉडी पड़ चुकी है भाई। अभी क्या मार रहे हो भाई बॉस को? अच्छा बॉस को भी हार्वेस्ट कर लिया इन लोंडो ने, कौन है रे बाबा? ढीलो बॉस और इनको बहुत ज्यादा चुलमची लग रहा है, चलो इनको भी मार देते हैं गाइज। मजाक हो रहा है क्या गाइज? एकदम उल्टू मजानी लाइफ हो गई गाइज। ऐसे भाई वन शॉट नोवा डिस्ट्रॉयर को मारा और वन शॉट गाइज अपन ने मारा गाइज यहाँ पे फायर कोलोसस को। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बॉस है? एक बॉस एक है जिससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बट शायद अभी उसको जो ना गाइज मेरे को यहाँ पे बुलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो जो ना गाइज मेरे को वन शॉट मार सकता है गाइज, ठीक है। एंड वो है फाइनल बॉस पिकॉन रिवेंज करके, उससे भी जो ना बहुत ज्यादा जल्दी अपन फाइट लेंगे। वैसे गाइज आप मेरे को बताना आपको जो ना स्पिरिट एंड केओस में से कौन सा वाला रेक्स जो ना गाइज वो सबसे ज्यादा पसंद आया गाइज। ये भाई वन शॉट भाई किल करने वाला स्पिरिट रेक्स या फिर वन शॉट किल करने वाला हमारा, वन शॉट नहीं फायर ब्रीथ भाई, फायर वाले अटैक से किल करने वाला हमारा केओस वाला रेक्स। तो आप गाइज नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा वाला रेक्स पसंद आया, एंड जो भी रेक्स आपको पसंद आया होगा उसके लिए अच्छे अच्छे नाम मुझे कमेंट में डालना बिल्कुल नहीं भूलना। वैसे मैं बताऊं मेरे को स्पिरिट वाला रेक्स पसंद आया, क्या मारा है कोलोसस को गाइज, मतलब मैं बोलूंगा फिरॉक्स की टक्कर का डैमेज दे रहा है गाइज ये फिरॉक्स जो ना गाइज वो एक शॉट में मारता है गाइज इन कोलोसस को, बाकी और कोई डायनो ना एक शॉट में मार नहीं पाया था, बट मजा आ गया गाइज मजा आ गया। आपको बताना गाइज कौन सा रेक्स भाई पसंद आया, एंड आज का एपिसोड एक काम कर लेते इसी के साथ यहीं पे खत्म कर लेते। अगर आज का जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा और आज की जो बॉस फाइट हुई ना खतरनाक सी वो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं तब अगले एपिसोड में आप सर्वाइवल बोल के आर को प्राइमल फियर 100 एक्स के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय गाइज, मिलते हैं सीधा अगले एपिसोड में। Day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.